अच्छा पिताजी एक बात बताइए, ये रशिया और यूक्रेन जो आमने सामने खड़ा हो गया है लड़ाई के लिए, तो ये लड़ाई होती क्यों है? देखो एक तो दोनों के बीच में ना मतभेद है, और मतभेद कौनसी बच्चा को समझा रहे हैं कि मतभेद है, भेद है, रिश्तों में छेद है। तुम्ही को ज्यादा मालूम है ना। अरे बेटा इनको अपना तो जानकारी है ही नहीं है, चले है बच्चा को समझाने के लिए। अच्छा पकड़िए, चल पकड़िए, मेरे सिर पर रख दो। कितना बार बोले कि ट्रे में लेकर के आया करो, कहाँ रखे, किधर रखे? अपना तो समझ में आता नहीं है, चले हमको ज्ञान देने के लिए। हाँ तो बेटा हम क्या बोल रहे थे? पकड़िए ट्रे। अरे 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 क्या तुम्हारा दिमाग मग चट गया है? ट्रे में कहीं चाय दिया जाता है? अरे अपने बात पे आप टिकते कहे नहीं है जी, आप ही ना कहे कि ट्रे में चाय लाओ तो डाल दिए चाय। अरे दिमाग पगला गया क्या तुम्हारा? हम बोले थे कि कप में चाय लाओ, ट्रे एकदम आप तो एकदम चुप ही हो जाए, एकदम चुप रहिए आप। देखा बेटा कैसे हम दोनों के बीच बिना बात का छीन लड़ाई हो गया, ऐसे ही दो देश के बीच बिना बात का छीन लड़ाई हो जाता है, उसी को युद्ध कहते हैं। समझ गया ना? जाओ अब जाके पढ़ाई करो बेटा, जाओ। इसको कहते हैं समझाना, इससे समझाया जाता है। चले हैं बच्चा को समझाने। तो खैर मनाइए कि बउआ ई नहीं पूछा कि दोनों देश में बमबारी कैसे होता है, नहीं तो अभी हम दोनों में ना औरों गिदिया मिसान लिखल था।